clock is 5 सेकेंड फास्ट एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर 5 सेकेंड फास्ट है, 10 सेकेंड स्लो एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, एट वॉट टेम्परेचर डज इट गिव करेक्ट टाइम, तो कौन से टेम्परेचर पे वो करेक्ट टाइम शो करेगा। तो मतलब कि करेक्ट टाइम के लिए उसका टेम्परेचर 15 से 30 के बीच में होना चाहिए, तभी वो एक्यूरेट टाइम शो करेगा। ये हमें क्लियर हो गया। डेल्टा एल जो है उसकी लेंथ में चेंज आएगा टेम्परेचर की वजह से, तो टाइम पीरियड में जो चेंज है डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल टू होता है रूट एल के, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू हाफ, डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं एल अल्फा डेल्टा टी, स्मॉल टी लिखते हैं टेम्परेचर के लिए, तो डिवाइड बाय एल, तो एल से एल कट हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी बाय टू, ठीक है, डेल्टा टी बाय टी। अब 5 सेकेंड फास्टर है तो आ जाएगा 5 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू क्या है, अल्फा टेम्परेचर में चेंज, तो 15 से 30 के बीच में होना चाहिए, तो टी माइनस 15 होगा डिवाइड बाय 2। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। ऐसे ही जब 30 डिग्री की बात करें तो वहां पे 10 सेकेंड स्लो है, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू अल्फा इन टू 30 माइनस टी माइनस ऑप्शन इक्वेशन 2, ठीक है। इसको नेगेटिव कर दिया तो ये जो स्लो है उसको हमने 10 कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर ले, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, टी से टी कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा और बाय 2 भी कट हो जाएगा, टी माइनस 15 और नीचे बचेगा 30 माइनस टी, यानी कि 30 माइनस टी इज इक्वल टू 2t माइनस 30, ये हो जाएगा हमारे पास 3t इज इक्वल टू 60, टी आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे वो करेक्ट टाइम शो करेगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन 2। तो स्पेसिफिक